हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 में दे रखा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग फॉलोइंग डाटा। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि मैं एक डाइस को फेंकता हूँ तो मैं कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः नंबर आएंगे, कोई से भी छः हो सकते हैं इनमें से। जो भी आंसर आएगा इन छः में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन हमसे प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई, मेरा इवेंट E1 है, वो बोला है अ प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो प्राइम हो, प्राइम का मतलब जिनमें केवल अपने ही टेबल का डिवाइड जाए और किसी का नहीं जाए। तो इनमें से प्राइम नंबर कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। प्राइम नंबर कितने हुए, 3। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मेरा फेवरेबल आउटकम 3 हुआ, टोटल कितना हुआ 6, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 1 3, 3 2 6, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इवेंट 2, बोला गया है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 5, नंबर 2 और 5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 2 ये रहा और 5 ये रहा, इनके बीच में कौन आ रहा है, खाली 3 और 4 ही आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, फेवरेबल हुए मेरे 2 और टोटल कितने मेरे 6, कट रहे तो काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 65, तो पहले मैं उसे नोट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 65 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, बोला गया है अ बॉक्स कंटेन 75 कार्ड विच आर नंबर फ्रॉम 1 टू 75। हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें कार्ड रखे गए हैं जिस पे काउंटिंग लिखी गई है 1 से लेके 75 तक। ठीक है, फिर आगे बोला गया है इफ वन कार्ड इज ड्रोन एट रैंडम, उसमें से कार्ड निकाला गया बॉक्स में से, प्रोबेबिलिटी बताओ निकाला गया कार्ड 2 डिजिट नंबर का होगा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का होगा। तो सबसे पहले हमें पता लगाना कि टोटल कार्ड कितने होंगे, टोटल कार्ड या टोटल पॉसिबल आउटकम। कार्ड मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 करते करते 75 तक के कार्ड है, तो कुल मिला के 75 कार्ड होंगे, बीच में कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है मेरा, सारे कार्ड है 75। अब मेरा जो फेवरेबल आउटकम है वो बोला 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर यानी ऐसा वो होना चाहिए कार्ड जिस पे 2 डिजिट लिखे हो। अब 2 डिजिट के नंबर शुरुआत होती है 10 से, 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, यानी कि 2 डिजिट के नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुल मिला के 75 नंबर है। 1 डिजिट के नंबर कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे 1 डिजिट के नंबर है, इसके बाद से 2 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे जो 9 नंबर हैं ये 1 डिजिट के हैं, इनको इनमें से हटा देंगे। अगर टोटल में से 1 डिजिट वाले हटा दूँ तो जो बाकी बचेंगे वो कौन से होंगे, 2 डिजिट के नंबर ही तो होंगे, अब माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 66। तो ये मेरा फेवरेबल आउटकम। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, फेवरेबल आ जाएगा ऊपर, टोटल आ जाएगा नीचे, दोनों में जा रहे थे 3 का डिवाइड, ये हो जाएगा 22/25, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड इवेंट बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से किया 4, 3 को 3 से किया 9, 4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से किया 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। 81 तो है ही नहीं मेरी लिमिट में, खाली 64 तक ही नंबर होंगे। कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरा फेवरेबल आउटकम हुआ। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो फेवरेबल आ जाएगा ऊपर, टोटल कितना है 75, किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो उसको यहीं छोड़ देंगे, मेरी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 66, तो पहले मैं उसे नोट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन 66 यहाँ पे नोट कर दिया है, बोला गया कॉइन इज अ टॉस 2 टाइम्स, अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए या 2 कॉइन को 1 बार उछाला जाए, दोनों का मतलब एक ही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ।
तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या बनेंगे, क्यों जो भी रिजल्ट आएगा वो उन्हीं में से ही आएगा। दो कॉइन को उछाला गया है तो क्या पता दोनों में हेड आए, क्या पता दोनों में टेल आ जाए, क्या पता पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, फिर हेड टेल या हेड आ जाए, तो पॉसिबल आउटकम मेरे बनते हैं चार। यहाँ पर जो मेरा इवेंट है क्या बोला गया है, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, जिसका मतलब ये होता है कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक होना चाहिए लेकिन कम से कम। इसमें तो दो हैं, दोनों में आ जाएंगे, इसमें भी एक हेड है, सॉरी हेड बोला ना, तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा, दो हेड चल जाएगा कोई बात नहीं, बट इसमें एक भी नहीं नहीं चलेगा, इसमें है एक हेड, इसमें भी एक हेड है, कुल मिला के फेवरेबल आउटकम मेरे कितने बने, तीन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, फेवरेबल हुए तीन, टोटल कितने मेरे फोर, तो मेरी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।